और इस वक्त एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, आज भाजपा में शामिल होंगी कांग्रेस की एक और बड़ी नेता ज्योति खंडेलवाल, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं, भाजपा में एंट्री कर रही हैं। ज्योति के समर्थकों के पास फोन पंच पहुंचने शुरू हो चुके हैं, ऐसे में भाजपा आज जयपुर के किसी महत्वपूर्ण सीट से ज्योति खंडेलवाल को मैदान में उतार सकती है। और इसे लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आपको पहले ही संकेत दे दिए थे, कल भी आपको ये जानकारी दी थी कि चंद नाम सामने आएंगे जिसमें ज्योति खंडेलवाल का नाम शामिल होगा। ज्योति खंडेलवाल आज भारतीय जनता पार्टी में एंट्री ले रही हैं, फोन आने शुरू हो चुके हैं, ज्योति के समर्थकों के पास भी फोन पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें भाजपा आज जयपुर के किसी महत्वपूर्ण सीट से मैदान में उतार सकती है। एक बड़ी नेता है कांग्रेस की, अगर राजधानी जयपुर में देखा जाए उनका वर्चस्व तो काफी उनका वर्चस्व है, काफी कद है, हमेशा मुखर रही है, थोड़ी नाराजगी जरूर रही है अपनी पार्टी से, लेकिन अब जो जानकारी है कि भाजपा में वो एंट्री ले रही है, विस्तार से समझेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान से। ऐश्वर्य, कल आपने जानकारी दी थी कि ये नाम सामने आ सकते हैं जिसमें ज्योति खंडेलवाल का भी नाम था, और अब लगभग लगभग ये नाम तय हो चुका है, विस्तार से समझाइएगा कितने बजे शपथ लेंगे वो। देखिए, ज्योति खंडेलवाल जो है उनके अलावा टीएस वैद, नंदलाल पूनिया और अन्य लोगों की अभी एंट्री होनी है, कुछ देर में एंट्री होनी है, और आप 11 बजे का लगभग टाइम दिया गया है। अरुण सिंह और सीपी जोशी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली जाएगी, और अन्य करीब 2 दर्जन से नेता हैं जिनके आने की संभावना है, जिनमें सामान्य अन्य पार्टियों से लेकर समाज सेवा से जुड़े हुए या विभिन्न संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हुए इस तरीके के लोगों की एक फहरिस्त बनाई गई है। कुल वैसे 70 से 75 लोगों की लिस्ट है, उनमें से कुछ नाम आज और कुछ अगले चरण में शामिल होंगे जी। और इस कुछ भी किसी तरीके का रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से नजर आया है कि सुगबुगाहट तो कल से शुरू हो गई थी? देखिए, ये सतत प्रक्रिया है और ये नियमित तौर पर चलती है, ये इसमें कोई विशेष बात इसलिए नहीं हो जाती कि कांग्रेस में भी इसी तरीके से लोग जो है वो कांग्रेस से भाजपा में आते हैं और भाजपा से कांग्रेस में जाते हैं। चुनावी दौर में सब कुछ सामान्य सी प्रक्रिया होती है जब तक कोई बहुत बड़ा नाम ना आए। हालांकि 2 नाम बड़े माने जा सकते हैं, एक तरफ सुरेश मिश्रा तो दूसरी तरफ ज्योति खंडेलवाल, पिछले दिनों जो आए जी। चलिए ठीक है, शुक्रिया सुरेश जानकारी के लिए। तो ज्योति खंडेलवाल आज भारतीय जनता पार्टी में एंट्री ले रही है और भाजपा में शामिल होंगी कांग्रेस की एक और बड़ी नेता। ज्योति खंडेलवाल का नाम सामने है, इसके अलावा अन्य नाम भी सामने आ रहे हैं जो कि आज 11 बजे के करीब वक्त रखा गया है जब वो एंट्री लेंगे भारतीय जनता पार्टी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि किसी एक महत्वपूर्ण सीट से उतार सकती है ज्योति खंडेलवाल को मैदान में कांग्रेस की एक और बड़ी नेता, यानी कि ज्योति खंडेलवाल हमेशा मुखर रही है, अपनी आवाज को रखती रही है पुरजोर तरीके से, और अब अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रही हैं। हालांकि हम यही चर्चा कर रहे हैं कि तो प्रक्रिया रहती है, जब भी चुनाव आने वाले होते हैं चुनावों से पहले ये तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी, कभी घर वापसी होती है तो कभी पार्टी दल बदल होती है, और कभी नाराजगी रहती है, टिकट ना मिलने की दौड़ रहती है, और ऐसे में टिकट नहीं मिलती तो फिर दूसरी पार्टियों से जब आपको फायदा मिलता है तब आप इस तरीके से एंट्री करते हैं दूसरी पार्टी में। लेकिन फिलहाल अब सामने आएगा जब वो भाजपा में शामिल होंगी और क्या रिएक्शन उनका सबसे पहले आएगा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश जी, कल से इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, नाम सामने आ रहे थे, लेकिन पंडित सुरेश मिश्रा के बाद बड़ा नाम ज्योति खंडेलवाल का, मुखर रही है अपनी बेबाकी अदा से जानी जाती हैं, और दूसरी तरफ कुछ नाराजगी इनकी भी पिछले दिनों नजर आई थी, लेकिन अब जब भाजपा में एंट्री होगी क्या लगता है सबसे पहले क्या रिएक्शन आएगा इनका? देखिए, चुनावी सीजन है और नेताओं का बिल्कुल आने जाने का दौर इस वक्त जारी है, उसी कड़ी में अब एक नया नाम भी सामने आ रहा है ज्योति खंडेलवाल का, और आपको ध्यान है ज्योति मिर्धा ने भी ज्वाइन किया था कांग्रेस को छोड़कर, वो बीजेपी में गई थी, अब ये दूसरी ज्योति है जो बीजेपी में जाने को लेकर की बात सामने आ रही है, और खास तौर से जो जयपुर शहर में किशन पोल से टिकट मांगती हैं ज्योति खंडेलवाल, वहां से अमीन कागजी को पिछली बार टिकट मिला था, वो चुनाव जीते थे, विधायक बन गए थे, और फिर से अमीन कागजी को ही वहां टिकट दे दिया गया है। दूसरा टिकट का दावा ज्योति खंडेलवाल का हवामहल से, वो सीट भी
कमोबेश महेश जोशी वहां से विधायक हैं, मंत्री हैं, और उनके टिकट को लेकर भी अटकलें जरूर है, लेकिन देर से वेर लगता है कि महेश जोशी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में ज्योति खंडेलवाल के लिए कोई सीट बचती नहीं है। तो कुछ समय पहले ज्योति खंडेलवाल और पति शरद खंडेलवाल कुछ साल पहले प्रधानमंत्री से भी मिले थे, हालांकि वो मुलाकात अलग पूरे उसको लेकर थी, लेकिन ये जरूर है कि ज्योति खंडेलवाल की बातचीत बीजेपी में कुछ बड़े नेताओं से हुई थी और ये दलीलें दी जा रही थी कि वो जा सकती हैं बीजेपी के साथ। तो अब कहा जा सकता है कि ज्योति खंडेलवाल अगर भारतीय जनता पार्टी में जाती है तो निश्चित तौर पर परकोटे की राजनीति प्रभावित होगी। अभी भी मोहनलाल गुप्ता के बाद जयपुर के परकोटे में जो खंडेलवाल वैश्य समाज का कोई बड़ा नेता की तलाश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस नेता की जिन्हें लड़ाया जा सके मुस्लिम विधायकों के सामने, तो कमोबेश लगता है कि ज्योति खंडेलवाल को बीजेपी में लाकर और उन्हें उम्मीदवार परकोटी की किशनपुर या वामन सीट से उन्हें चुनावी समर में उतारा जा सकता है। वो जयपुर की मेयर रही है और उस वक्त जयपुर की मेयर रही जब जयपुर लोकसभा सीट जो जयपुर की उससे भी बड़ा क्षेत्रफल उस दौरान, अभी तो दो मेयर हम देख रहे हैं लेकिन उस जमाने में एक ही मेयर हुआ करता था ज्योति खंडेलवाल यूपीए का शासन था और ज्योति खंडेलवाल जयपुर की मेयर बनी थी, उन्हें कांग्रेस के टिकट मिला था और सीधे चुनाव में वो जयपुर की मेयर बनी थी। उन्होंने सुमन शर्मा को उस वक्त चुनाव में शिकस्त दी थी और अब और उसके बाद जयपुर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी उन्हें लड़ चुकी है, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली, हार गई थी वो चुनाव, लेकिन लोकसभा का टिकट भी उन्हें मिला था और मोदी लहर में वो चुनाव हार गई थी। और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया जा रहा है, तो कहा जा सकता है पूरा जो क्योंकि अग्रवाल कम्युनिटी को टिकट कांग्रेस बीजेपी दे चुकी है, खालिदा सराफ अग्रवाल कम्युनिटी से आते हैं उनको टिकट मिल चुका है मालवीय नगर से। अब बीजेपी को खंडेलवाल वैश्य वर्ग को साध रहा है, जयपुर में एक बड़ा वर्ग है, बड़ा कहा जा सकता समाज है, जिसको साधने के लिए संभवतः ज्योति खंडेलवाल को लाया जा सकता। हालांकि बीजेपी में भी बड़े नेता है, मोहनलाल गुप्ता खुद ही समाज से आते हैं, सोहनलाल तावी भी टिकट मांग रहे हैं, वो भी खंडेलवाल वैसे समाज से आते हैं, और भी नेता है, लेकिन ज्योति खंडेलवाल का अगर पदार्पण बीजेपी में हो रहा है तो ये नए समीकरणों का संकेत कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इससे बीजेपी की जो लोकल पॉलिटिक्स है वो भी प्रभावित होगी और वहीं ज्योति खंडेलवाल को और खंडेलवाल परिवार को अंदाजा हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अब कितनी ज्योति वो अपने आसपास बिखेर पाते हैं या फिर पार्टी के लिए, ये आने वाला वक्त बताएगा।